नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज आपको GNS3 की जो है सेटअप बताने वाला हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेके एंड तक उसमें कॉन्फ़िगरेशन करके भी बताऊंगा। तो यहां पे बात आती है कि GNS3 सॉफ्टवेयर हमें चाहिए क्यों है, ये क्या काम आता है। तो यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर वेबसाइट पर जाते हैं GNS3.com पे, तो यहाँ पर आप खुद ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वाई शुड यू यूज़ GNS3, है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर भी ऑलरेडी हमारे पास है, जहां पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं नेटवर्क से रिलेटेड। लेकिन आपको बता दूं कि पैकेट ट्रेसर के अंदर सारी चीजें, जो बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो नहीं चल पाती हैं, लेकिन GNS3 जो है ये आपकी उन कमांड्स को भी सपोर्ट करता है जो पैकेट ट्रेसर के अंदर काम नहीं करती, जो वहां पर सपोर्टेड नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पहला लिखा हुआ रियल टाइम नेटवर्क सिमुलेशन फॉर प्री डिप्लॉइंग टेस्टिंग एंड विदाउट नीड फॉर दी नेटवर्क हार्डवेयर। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेने वाले हो, वहां पे आपको कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे नेटवर्क किस तरह से चलेगा, क्या वहां पे आपका टेस्टिंग होगी, किस तरह से होगा, सारा चीज आप जो है यहां पे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है पूरा सिमुलेशन रेडी कर सकते हो, और उसके बाद जो है आप सीधा एज इट इज जाके डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो दोस्तों, यहां पे इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा, GNS3.com पे। जब आप देख सकते हैं यहां पे इसका लेटेस्ट वर्जन है 2.1.21, तो यहाँ पे जो है आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये साइन अप मांगेगा। अगर ऑलरेडी आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन पे जाके लॉगिन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर अगर आप साइन अप नहीं किया हुआ है, तो आप ये जो है साइन अप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है वो आपसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लर्निंग एंड वर्क, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर वर्क के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हो, जो भी आपका सूटेबल है। आपका नाम वगैरह भर के सारी चीज़ें जो हैं आपको करके यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट एंड कंटिन्यू करना है, और आपका इसको डाउनलोड जो है वो चालू हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे जाके मेरे पास ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये रहा GNS3 जो है डाउनलोड किया हुआ है। तो जब आपका डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आपके पास वेलकम आएगा, वेलकम आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड पे इस पे आगे करना है। अब यहाँ पर जब आपके पास इस तरह के ऑप्शंस दिखाएंगे, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है चूज कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर शार्क भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको वायर शार्क इंस्टॉल करना है, तो आप इसको टिक रहने दें। अगर आप इसको वायर शार्क को इंस्टॉल नहीं करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टिक को हटा सकते हो। जो जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, आप उनके टिक हटा सकते हो। बेसिकली वायरशार्क जो है ये पैकेट कैप्चरिंग जो है सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी करी जाती हैं। सोलर विंड रिस्पांस वगैरह है इसके अंदर, जो भी आपको हटाने हटा सकते हो, नहीं हटाने हैं तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, नेक्स्ट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको वायरशार्क नहीं चाहिए है, तो आप सीधा सीधे यहाँ पे नेक्स्ट करें, और जहां पर भी इसको इंस्टॉलेशन करना है उस लोकेशन पे दिखा के, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है क्लिक कर दें, तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है इंस्टॉलेशन, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, है ना। अभी इसके बाद जो है आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है इस तरह का आपके पास आइकन आएगा, इस पर आपको GNS3 पे जो है क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है स्क्रीन खुलेगी, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ये बोलता है कि आपको जो न्यू प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं TGM कर देते हैं, यानी कि टेक गुरु मंजीत का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से नया बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है, तो आप यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम डिस्क भी कर सकते हैं, या रिसेंट प्रोजेक्ट है तो आप रिसेंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे करने जा रहे थे, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ पे साइड पे सबसे पहले आता है हमारे पास राउटर्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ राउटर्स डले हुए हैं, मैंने डाल के रखे हैं, लेकिन आपके लिए मैं एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे स्विचेस हैं, तो यहाँ पे कुछ स्विचेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे आपके है क्लाउड नेट, और यहाँ पे
पीसी की जगह पे वीसीपी होता है, यानी कि वर्चुअल पीसी जो है आपके यहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस, अगर आपके पास इमेजेस हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, उसको भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑल डिवाइसेस देखने हैं आपको, तो ऑल डिवाइसेस है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एड अ लिंक, यहाँ पे लिंक जो है कनेक्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। अब से फॉर एग्जाम्पल जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो यहाँ पे ये राउटर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पे पूरा आपके पास ब्लैंक होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वापस से आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद जो है आपको जो भी मॉडल आप करना चाहते हो डाउनलोड, उस मॉडल नंबर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 37200 फॉर ISO फॉर GNS3 करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये 37C7200, फिर यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा डॉट बिन। तो ये डॉट बिन जो होते हैं ना, ये इसके इंस्टॉलेशन वाले पैकेट हैं। तो आपको जिस पे भी जाना है आप उस पे जाके यहाँ पे लिंक, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इनके लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे, ये देखो ISO 700 1700 के जो हैं इनके यहाँ पे राउटर्स के इमेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, ये 2600 के अवेलेबल हैं, 3600 के अवेलेबल हैं, 3700 के अवेलेबल हैं, 7200 के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सारे लिंक जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सीधे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये 1700 का जो है ये एक डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउनलोड करना है आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है ये आपके पास एक रार फाइल आ जाएगी। तो रार फाइल के अंदर आपको इस तरह का एक बिन फाइल भी मिलेगी, तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है कि डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज़। तो लिंक मैं आपको इसका जो है वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड मेरे पास ऑलरेडी कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं वापस यहाँ पे लेके चलता हूँ। जब आपको राउटर यहाँ पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, तो आपको इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जाना है एडिट के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंसेस का, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। तो प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमें करना है यहाँ पे ISO राउटर्स इंस्टॉल करने, तो यहाँ पे राउटर पे जाएंगे, जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करने के बाद न्यू इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ से जो है मैं एक आपके लिए एक यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है उसी का यहाँ पे एक इमेज उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वुड यू लाइक टू डीकंप्रेस दी ISO इमेज, मैं बोल रहा हूँ यस। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, ये आपका जो है यहाँ पे आपके लिख के आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपका जो भी नाम है आपको वही नाम, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये आपके पास राउटर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे ये बता रहा है C2691 जो है इट इज़ ऑलरेडी इज़ यूज्ड, है ना। तो ये नेम जो है ऑलरेडी यूज़ किया हो, तो मैं यहाँ पे TT कर देता हूँ, डबल टी लगा देता हूँ, और यहाँ पे जो है हम कर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मेमोरी आपको यूज़ होगी, रैम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी यूज़ करने वाला है, तो 192 MB जो है ये एक राउटर आपके यूज़ करने वाला। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, अगर आपको उसको कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं 192, और आप नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको नेटवर्क अडेप्टर्स चुनने हैं, यानी कि उसके पोर्ट्स चुनने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है आपका एक है फास्ट ईथरनेट जो है इसके ऊपर सेलेक्टेड है, अगर आपको और करने तो यहाँ से आप जो है फास्ट ईथरनेट के और भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 40 हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं जो उसके सीरियल पोर्ट्स हैं उसको यहाँ पे 4 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे जो है WIC मॉडल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो, आपको एज इट इज नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका राउटर आपके इस ISO के आपके लैपटॉप के लिए या आपके डेस्कटॉप के लिए जो है वो आपकी PC के लिए परफेक्ट है कि नहीं है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ पे जो है PC फाइंडर है, आइडल PC फाइंडर है, जो यहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक करना है। तो जब आप ये आइडल PC फाइंडर पे क्लिक करेंगे ये कुछ वैल्यूज़ जो है चेक करेगा, और उसके बाद आपको चेक करके बताएगा कि ये जो इमेज आप इंस्टॉल करने जा रहे हो वो इमेज आपके PC के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और वापस से जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको रेज्यूम करता हूँ। सो देखिए ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये मैसेज आया है पीसी फाइंडर द्वारा, आइडल पीसी वैल्यू इज, ये कुछ इसने वैल्यू कैलकुलेशन करता है और यहाँ पे हैज़ बीन फाउंड सुटेबल फॉर दी फॉर योर ISO इमेज, ये जो है हमारा बिल्कुल सूटेबल है। अगर आपका ये सूटेबल नहीं होगा तो यहाँ पे जो है नॉट सूटेबल आपको मैसेज आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये हमारे लिए सूटेबल लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद जो वैल्यू इसने कैलकुलेट करी है वो यहाँ पे वैल्यू डल चुकी है और मैं अब कर देता हूँ यहाँ पे फिनिश। तो फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा राउटर जो है ऐड हो चुका है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे अभी राउटर पे चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने ये TT डाला था, ये हमारे पास राउटर जो है वो आ चुका है। तो यही राउटर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ आपके लिए और यहाँ पे जो है अभी मैं आपको इन राउटर्स के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पे जो राउटर हमने यूज़ किए हैं, देखो यहाँ पे 2 फास्ट ईथरनेट पोर्ट आए हैं और 4 जो हमने T सेलेक्ट किया था 4T, तो उससे जो है यहाँ पे 4 हमारे सीरियल पोर्ट जो है यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं फास्ट ईथरनेट का यूज़ कर लूँगा 1x1 का। अब इसके बाद अगर यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है ABC करके ये बना हुआ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे जो है आपके पोर्ट नंबर आ जाते हैं। तो अभी मैं आप यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक आपका इस तरफ में लूप बैक बना देता हूँ 0, ताकि हमारे पास अभी लैन नहीं है तो उसको मैं IP दूंगा 192.168.10.0/24 का नेटवर्क इस तरफ में दे देता हूँ लूप बैक के लिए और इसी को एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है हम 10 की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे 30 का नेटवर्क इस तरफ यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेंटर में हम यूज़ करने वाले हैं दोनों राउटर्स के बीच में 192.168.10.20.0/24 की सीरीज यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम रिप करेंगे और इसका जो वर्जन 2 जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं ताकि आपको यहाँ पे इन दोनों लूपबैक्स के बीच में इंटरफेस पूरा जो है कम्युनिकेशन करवा के बता सकें। अब सभी राउटर्स को अगर आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट तो आप यहाँ पे ये स्टार्ट ऑल राउटर पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपके राउटर जो है ये स्टार्ट हो गए, देख सकते हैं आप ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये ऑन हो गए, लेकिन इनके पोर्ट अभी भी जो है शट डाउन है तो हमें उनको करना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, यहाँ पे कंसोल पे जाओ और कंसोल पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे राउटर जो है वो बूट हो रहा है, तो ये बूट हो चुका है। अभी मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0 और इसको IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.20.1255.255.255.0 और इसको कर देते हैं हम नो शटडाउन। इसके बाद हम यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस बनाएंगे लूप बैक 0 के नाम से, loopback 0 और इसको IP एड्रेस दे देंगे हम 192.168.10.1.255.255.255.0 और इसको भी हम एक बार नो शटडाउन के यहाँ कमांड देते हैं, दैट्स ऑल। अब इसके बाद एग्जिट करते हैं और यहाँ पे इस वक्त हम राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे रिप और यहाँ पे राउटर रिप और उसका वर्जन हम 2 यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे नो ऑटो समरी कर देते हैं ताकि ये जो है आपको यूज़ कर लेना चाहिए जब आप सबनेटिंग करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बाद यहाँ पे जो है नेटवर्क हम एडवर्टाइज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क है 192.168.168.10.0 का है, क्लास फुल है तो आप यहाँ पे सबनेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो 20.0 कर देते हैं और यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया राउटर 1 के ऊपर। अभी चलते हैं राउटर 2 के ऊपर, राइट क्लिक करके कंसोल पे चलते हैं, यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस दे देते हैं इसको 192.168.20.2.255.255.255.0, नो शटडाउन कमांड दे देते हैं। इसके बाद हम इंटरफेस लूप बैक बनाते हैं, वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं 0, IP एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 192.168. यहाँ पे हमारा 30.1 है, 255.255.255.0। अब इसको भी एक बार नो शटडाउन कमांड जो है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, नो शटडाउन देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे जो है क्या करते हैं राउटिंग एनेबल करते हैं, राउटर रिप और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे वर्जन 2 का करना है, नो ऑटो समरी कर देते हैं। यहाँ पे हमने नेटवर्क एडवर्टाइज़ करने हैं तो नेटवर्क है हमारे 192.168 और यहाँ पे 20.0 है और सेकेंड है हमारा यहाँ पे 30.0 का, तो ये भी हमारा हो चुका है। मैं इसको एंड करता हूँ और यहाँ पे शो IP राउट करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी क्या है, शो IP राउट करके ही देखा है हमने, अब तो लोकल ही कनेक्टेड है, अभी रिप आया नहीं, तो
रिप क्योंकि सबसे स्लोएस्ट प्रोटोकॉल होता है, तो कई बार वो टाइम ले लेता है अप होने में, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है इसको, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो कमांड्स डाली हैं वो बराबर रखी करी भी हैं कि नहीं। यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर देते हैं, तो कमांड्स हमारी लूप बैक को डली हुई है 30, और यहाँ पे 20.1 डला हुआ, बिल्कुल बराबर है। और राउटर वन के ऊपर भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे शो, गलत कमांड हो गई, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर देते हैं, तो यहाँ पे 20.1 डला हुआ है और 10.1 का बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हमें चेक करना है, तो शो आईपी राउट कर देंगे, शो आईपी प्रोटोकॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा सारा चीज़। तो यहाँ पे वर्जन 2 किया है, यहाँ पे 10 और 20 दोनों ही नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज्ड हैं, तो बिल्कुल सही चीज़ है। तो वापस हम यहाँ पे शो आईपी राउट करके एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी, क्योंकि मैंने बताया राउट जो रिप है वो थोड़ा सा स्लो प्रोटोकॉल है, ये रिप जो है यहाँ पे 30 का नेटवर्क एडवर्टाइज़ कर दिया है। तो अभी मैं आपको लूप बैक पिंग करके दिखाता हूँ, हम राउटर 1 के ऊपर हैं, तो सेकेंड वाले लूप बैक को पिंग करके बता रहा हूँ जो कि है 30.1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100% काम कर रहा है। सो आई एम श्योर दोस्तों कि इसी तरह से जो है आप जितने नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, EIGRP, OSPF, BGP, IBGP, जो भी आपको करना है, ACL डिफाइन करने हैं, सारी चीज़ें जो है आप आसानी से इसके अंदर पूरा सिमुलेशन के अंदर कर सकते हो, और सभी कमांड जो है आपकी जनरली सपोर्ट करती हैं इस वर्चुअल के अंदर। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक दोस्तों सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।